नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो एपिसोड में। इसके पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत खेलते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे और स्कूल सीजन का मजा लेते होंगे। इसी के साथ आज का इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वह हार्डवेयर बॉन्डिंग का सेकेंड एपिसोड है और आज के इस हार्डवेयर मॉर्निंग के एपिसोड में आप कुछ नया सुनने को आपको मिलेगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। आखिर नया वर्ड क्या आने वाला है, हम उसी की शुरुआत करेंगे। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मॉर्निंग की शुरुआत होगी। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मॉर्निंग देख रहा है आपकी स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मॉर्निंग, जनरली जो हार्डवेयर मॉर्निंग होती है वह टू टाइप की होती है, सिग्मा हार्डवेयर मॉर्निंग और पाई हार्डवेयर मॉर्निंग। ये तो सबसे पहले एक गजब का नाम मिलने वाला है, सिग्मा हार्डवेयर बॉन्डिंग और पाई हार्डवेयर बॉन्डिंग। अभी सिग्मा हार्डवेयर बॉन्डिंग क्या होती है, पाई हार्डवेयर बॉन्डिंग क्या होती है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिग्मा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कैसे हम पहचानेंगे? तो ये देखो, जो आपने अभी तक पढ़ते आप लोग आए हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सिग्मा के थ्रू पढ़ा आपने, वो सिग्मा के थ्रू पढ़ा है। और सिग्मा टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो टाइप होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। और पहले जो बॉन्डिंग कहने जा रही हूं क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि केस फर्स्ट सिग्मा टाइप की है। उसमें क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन हो वो बॉन्डिंग करता हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से करता हो, और बिटवीन टू एटम या मोर देन टू एटम, वह जो मॉलिक्यूल्स हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, सेम सबस्टेंस का हो या तो डिफरेंट सबस्टेंस का हो। अगर दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। तो देखो, हम कुछ एग्जाम्पल आपका शेयर करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल में कौन आ रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द केस ऑफ लिक्विड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप सबको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक मॉलिक्यूल एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इस समय ये दोनों मॉलिक्यूल सेम सबस्टेंस के हैं। इसमें देखो वाटर है, वाटर के इसमें भी क्या है, सेम सबस्टेंस है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये क्या है, वाटर है, डिफरेंट सबस्टेंस का मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट सबस्टेंस का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये आपका जो होता है इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ये बॉन्डिंग हो जाती है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कुछ ये होता है। क्या होता बताओ, एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल में, क्या होने लगता है, एसोसिएशन। तो मॉलिक्यूल में क्या होने लगता है, एसोसिएशन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा, तो एसोसिएशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दूसरा फैक्ट ये होता है, जब इनमें इंट्रैक्शंस होगा, इंट्रैक्शन होने की वजह से इनका इवापोरेशन, दैट इज वोलाटाइल नेचर, डिक्रीज कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जिस मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कम होता है, कम होने का मतलब कम उड़ेगा, और जो चीज कम उड़ती है वो जल्दी बॉयल नहीं करती। जैसे तो आप पेट्रोल जल्दी उड़ता है, वाटर तो पेट्रोल ज्यादा उड़ता है वो जल्दी बॉयल करेगा, वाटर कम उड़ता है वो लेट बॉयल करेगा या हाई टेम्परेचर बॉयल करेगा। बस वही चीज होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसमें इवापोरेशन कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ कंपाउंड में देखी जाती है, बोथ कंपाउंड देखी जाती है। अब बताओ, इस समय जितने भी हमने एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं, ये दोनों एग्जांपल, तीनों एग्जांपल सब क्या है, इनऑर्गेनिक के हैं। किसके हैं, इनऑर्गेनिक के हैं। मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल शेयर करता हूं। एग्जांपल आपका है H2O है, जिसको हम आइस में देखना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट में, आइस में। तो जो H2O होता है, उस H2O के पास, दैट इज वाटर को हम आइस में देखना चाहते हैं, या ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, H2O सॉलिड। तो H2O केस में दो हाइड्रोजन होते हैं, दो लोन पेयर। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह लोन पेयर और हाइड्रोजन की करिस्पॉन्डिंग होती है, जिसमें दो लोन पेयर, दो हाइड्रोजन, दो दो चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर लोन पेयर एक है हाइड्रोजन तीन है तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में एक लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तीन में से केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो तीन दो दो बनेंगे। अगर लोन पेयर तीन है हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तीन में से लोन पेयर एक ही लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां लोन पेयर में दो दो हाइड्रोजन है, दो दो चार। और आपको बताना चाहूंगा ये चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगा, और ये मैंने आपको शॉर्ट में बनाया है, चार वाटर मॉलिक्यूल से एक वाटर की बात कर रहा हूं। और टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है। तो बताओ वाटर का जो भीषण स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं वो लिक्विड का पढ़ते हैं, लेकिन जब वो आइस में आता है तो वह नेटवर्क स्ट्रक्चर आपका केज लाइक स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यही है। इस केज लाइक स्ट्रक्चर में कैविटी है, ये क्या हो जाती है कैविटी। तो बताओ एक टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर था किसका, आइस का, दैट इज वाटर जब सॉलिड स्टेट में जाता है। और एक वाटर कितने वाटर से सराउंडेड होता है, फोर इन टेट्राहेड्रली। तो ये सच बताओ एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ ना एसोसिएशन, ये किसका कमाल है, इंटर मॉलिक्यूलर, बोलो ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कमाल है। तो बताओ ये भी तो इनऑर्गेनिक का है। चलो हम आपके साथ और कुछ शेयर करते हैं, और कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। लो भाई ऑर्गेनिक का भी कुछ एग्जांपल शेयर कर दिया जाए। ये ऑर्गेनिक में जिसका क्या नाम है बोलो, इसका क्या नाम है सबको पता होगा, ये पढ़ा जाता है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड क्या होता है, डाइमराइज करता है, एक एस्टिक एसिड दूसरे एस्टिक एसिड से डाइमराइज करता है। और उसका रीजन भी क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये एस्टिक एसिड और ये एस्टिक अपने को प्रॉपर ओरिएंटेशन रख लेता है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं गुल्लू गुल्लू, क्या कर लेते हैं गुल्लू गुल्लू कर लेते हैं। ये भी हो जाता है निगेटिव, ये भी होता है क्या है पॉजिटिव, मे बी आप इसको निगेटिव बना सकते हैं, यहां पर भी क्या हो गया गुल्लू गुल्लू। और दो एस्टिक एसिड क्या हो गए एसोसिएट कर गए, जिसको बोलते हैं डाइमर, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन बोलते हैं। किसका हो गया डाइमराइजेशन ऑफ एस्टिक एसिड, और जिसका कारण कौन बना बताओ, एस्टिक एसिड जिसका कारण कौन बना, जिसका रीजन कौन बना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो भैया और एग्जांपल देख लेते हैं, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा ये भैया क्या है बताओ, फिनॉल है, ये क्या है फिनॉल है। और इस फिनॉल के आर्थो पर क्या लगा है नाइट्रो, जिसको हम पैरा पर लगा नाइट्रो, जिसको हम पढ़ते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है ये पोजीशन आप देख सकते हैं, नाइट्रो में जो होता है बॉन्डिंग कितनी होती है, एन की वैलेंसी होती है तीन, यहां पे चार बनी हुई है, एन पर क्या बन जाएगा पास टू, और इस एन पर भी क्या बनेगा पास टू। ये क्या होता है ओएच के साथ कौन होता है नाइट्रो, यह नाइट्रो के साथ ओएच होता है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या शो करता है एसोसिएशन शो करता है, क्या करता है एसोसिएशन शो करता है। ये सिग्मा टाइप की इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एग्जांपल हुए। चलो अब हम आपके साथ अब शेयर करते हैं सिग्मा टाइप की अगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या नाम है, अगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या नाम है, वो गजब का नाम है, क्या है भैया इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्या नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर है, जिसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर को भी हम देख लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर को भी देख लेते हैं, आखिरी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। When hydrogen bond is formed within same molecule and formation of chelation, मतलब same molecule के अंदर हो, same molecule के अंदर हो और क्या बनाता हो chelation बनाता हो, chelation मतलब एक ring बनाता हो, hydrogen bonding करने के बाद एक ring बनाता हो, ये तो गजब का नाम आ गया कि same molecule के अंदर hydrogen bonding हो और क्या बनाता हो chelation बनाता हो, क्या बनाता हो chelation। आखिर chelation का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उसके बाद क्या बन जाए रिंग स्ट्रक्चर, वो रिंग स्ट्रक्चर कितने मेंबर का हो, फोर मेंबर का हो, फाइव मेंबर का हो, सिक्स मेंबर का। चलो एग्जांपल शेयर करते हैं, अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये क्या है इसका नाम है पै आर्थो नाइट्रोफिनॉल। मान लो ये भैया क्या है फिनॉल कहीं पर हम बना सकते हैं ओएच, नाइट्रो ग्रुप को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये जो फिनॉल इसको लोग भैया पहले बना ही देते हैं, ये आपका जनरली क्या है इसका नाम बता दो। तो बताओ फर्स्ट सेकंड क्रिस्पेंट क्या होता है, इसका नाम है आर्थो नाइट्रो फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल है। देखते हैं ये क्या करता है, इसको अगर हम देखें तो ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है कि नहीं, करेगा, ये अच्छा खासा गुलू गुलू करेगा। लो कैसे करेगा इसको भी देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन है,
ये इसका क्या है ऑक्सीजन है, ये क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये माइनस वाला है। लो भाई लो, चलो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा खासा गुलू गुलू करेगा, और जब ये अच्छा खासा गुलू गुलू करेगा कितने रिंग कितने मेंबर की, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है देखो होगी कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्री डॉटेड लाइन की बॉन्डिंग होगी, अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, और ये अच्छी खासी जो बॉन्डिंग होगी ये बॉन्डिंग देखो इसका कितने मेंबर रिंग में बना दिए, रिंग बन गई, रिंग रिंग बन गई, कितने मेंबर की 1 2 3 4 5 6, और 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, और ये आपका बन गया 6 मेंबर रिंग कंपाउंड, इसी को बोलते हैं चिलेशन। तो जो चिलेशन हुआ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, इसमें मॉलिक्यूल एक ही है ऑर्थोनाइट्रोफिनाल, क्या ये ऑर्थोनाइट्रोफिनाल नहीं है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनाल है, जो ये रिंग बनी है इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चिलेशन, क्या बोलते हैं चिलेशन, क्या बोलते हैं चिलेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है चिलेशन होता है, और ये 6 मेंबर रिंग का चिलेशन हो गया, उसका रीजन कौन बना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, क्या बोलते हैं सेल्सलिक एल्डिहाइड बोलते हैं, ये आपका सेल्सलिक एल्डिहाइड है, क्या नाम है इसका सेल्सलिक एल्डिहाइड, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये क्या बनाएगा नेगेटिव चार्ज, ये क्या बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी रिंग बना दिया जिसका नाम है आर्थोहाइड्रोक्सी, क्या नाम है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है सेल्सलिक एल्डिहाइड, सेल्सलिक एल्डिहाइड, इसको सेल्सलिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डिहाइड 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 भी बोलते हैं, सेल्सलिक एल्डिहाइड के भी नाम से जाता है। ये भी क्या कर रहा है बताओ, 6 मेंबर का चिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है चिलेशन कर रहा है, और जनरली आप लोग को देखो ऐसे भी मिलेगा तो घबराना मत, मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि प्रीफिक्स में आप जानते हैं प्रायोरिटी में एल्डिहाइड की ज्यादा होती कंपेयर टू हाइड्रोक्सी, बस ये ऊपर नीचे मैं कर दिया हूं, चीजें वही है, आप इसको ऊपर नीचे भी करेंगे फिर वही बनेगा, आपका कंपाउंड वही है, आइसोमर तो पढ़े ही होंगे, आइसोमर तो जानते ही होंगे, दोनों चीजें एक हैं, बस आपको बहका दिया गया। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे कर दूं तो नाम बदल जाएगा क्या, क्या इसका नाम बदल जाएगा बताएं जरा, तो इसका नाम बदल जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है एल्कोहलिक ग्रुप है, जिसको हाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के सामने एल्कोहल क्या हो जाता है छोटा पड़ जाता है और बाजी मार जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड सबको पता है सीएचओ का जो होता है इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार होता है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और बताओ यहाँ पे जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसी इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से इसमें रिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसी बोलते हैं चिलेशन। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात आपको दिमाग में रखना है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये मोस्टली जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, किसमें होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। हम आपके साथ एक बहुत गजब का एग्जांपल शेयर करते हैं, इंट्रा का गजब का एग्जांपल है जिसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट, क्या नाम है क्लोरल हाइड्रेट है, गजब का एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट, क्या है CCl3CHO के साथ कौन है H2O है, जिसका स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, क्या पढ़ते हैं क्लोरल हाइड्रेट। जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो ये क्लोरल हाइड्रेट जो होता है कुछ इस प्रकार देता है, और इसमें जो क्लोरीन होता है गजब का काम कर जाता है, क्लोरल हाइड्रेट में जो क्लोरीन होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, किसके साथ वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है भैया, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, गजब की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, किसके साथ करता है क्लोरीन के साथ कर जाता है, किसके साथ क्लोरीन के साथ कर जाता है, यही आपका है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट में ये क्लोरीन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, और हो गया क्लोरीन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गया, तो बताओ क्लोरल हाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर गुलू गुलू हो गया, जब ये गुलू गुलू हुआ तो ये भी गुलू गुलू कौन सा है, इंटर है कि इंट्रा है, ये बात बता दे, रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, वो भी कितने मेंबर की 1 2 3 4 5 मेंबर की, 5 मेंबर बन रही है, इसको भी क्या कहते हैं चिलेशन रिंग, चिलेशन कहते हैं या चिलेट रिंग भी कह सकते हैं आप, चिलेट रिंग और प्रोसेस बोलते हैं चिलेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है चिलेशन होता है, और क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन कर जाता है,
क्या कर जाता है, क्लोरीन कर जाता है। ये आप ध्यान दें, ये क्लोरीन भी क्या होता है कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये तो हो गया सिग्मा, सिग्मा की बारी हो गई खत्म। अब आते हैं हम लोग पाई की तरफ, अब आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जिसका नाम है पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो भाई पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वही होती है, इंटर और इंट्रा होती है। ये जूम कर लो, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेंजीन बॉन्डिंग करता है। कौन करता है? बेंजीन बॉन्डिंग करता है। अब सबको पता है कि इस बेंजीन के पास ये पाई रिंग होती है, पाई रिंग होती है। और ये पाई रिंग जो होती है, एजुम करो अमोनिया आप जानते होंगे, NH3 को जानते होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ये बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन होता है, एजुम करो हाइड्रोजन जो होता है बेंजीन रिंग और अमोनिया का जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन ये हो गया आपका NH2। एजुम कर लो यहाँ पे बनता है +2 और रिंग बनता है -2 और दोनों के बीच हो जाता है गुल्लू गुल्लू और दोनों को गुल्लू गुल्लू होता है बेंजीन और अमोनिया का। ये गुल्लू गुल्लू में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? पाई बॉन्ड कर रहा है। और ये बेंजीन ये क्या अमोनिया, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? पाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये तो गजब की बात हो गई कि मतलब ये तो आपका मॉलिक्यूल अमोनिया बेंजीन के साथ, कुछ ऐसा और भी आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। ये तो हो गया पाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड अनदर मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन, अनदर मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है नेक्स्ट, आपको सामने शेयर करूंगा आखिर इंटर हो गया तो इंट्रा क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। जो इंट्रा हाइड्रोजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होगी? पाई के साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ। पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंगल होगा। ये मॉलिक्यूल दो हैं, बेंजीन और अमोनिया है। लो एक मॉलिक्यूल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये बेंजीन है जो कि फिनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजीन है, फिनिल में कन्वर्ट होगा। ये आप देख सकते हैं किस में कन्वर्ट होगा, फिनिल में कन्वर्ट होगा। कितने ऑक्सीजन देख लो, ये 1, 2, 3 है। अगर इसको हम नेमिंग करें 1, 2, 3, मतलब ये होगा आपका 3-फेनिल, 3-फेनिल, 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनॉल, 3-फेनिल, 1-प्रोपेनॉल। में अगर देखा जाए तो पाई और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल है, जिसमें बेंजीन का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव होगा और हाइड्रोजन क्या होगा +2 होगा। और यहां पे फिर गुलू गुलू हो जाएगा, और ये जो गुलू गुलू होगा, ये गुलू गुलू कैसा होगा बताओ, ये गुलू गुलू होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर सेम मॉलिक्यूल में करेगा तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, अगर डिफरेंट में करेगा तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये आपका गजब का पॉइंट रहा, गजब का रहा। आखिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्यों पढ़ते हैं?